वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में। ये आपके बेनिफिशियल है CBSE UGC NET के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो देखते हैं 2014 से 17 तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंपाइल किए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2004 से, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। हमने नोट्स जब पढ़े थे तो उसी के अंदर हमने समझ लिया था कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1953 में। और दूसरा नाम क्या है बेसिक एजुकेशन का, नई तालीम। मैंने ये आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है कि नई तालीम वर्धा एजुकेशन प्लान के अंदर, वर्धा कमिटी के अंदर था ये, तो इसलिए नई तालीम का बेसिक एजुकेशन जो है, नई तालीम, इन दोनों का ही दूसरा नाम है वर्धा एजुकेशन। द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर ईच ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। जो भी करेंसी या फिर फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है। जो आइडिया है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इंडिया में, वो किसके थ्रू पॉपुलराइज हुआ था, ये किसने पॉपुलराइज किया था, B.R. मेहता कमेटी 1957 में। ये कमेटी अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1957 में, जिसके अंदर उनको कहा गया था कि डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर पूरी एग्जामिनेशन करो, ध्यान से देखो कि उसमें क्या हो सकता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उन्होंने निकाला था B.R. मेहता कमेटी में। जो चेयरमैन थे कमेटी के वो थे बलवंत राय जी मेहता। ये मैं नोट्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये पेपर में क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, इसका सेम क्वेश्चन उठ गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए नोट्स पढ़ने भी यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो फाइनली उसका नाम रखा गया पंचायती राज, ठीक है, तो इस तरीके से ये चला। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाती है नेशनल या रीजनल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो नेशनल होगी या रीजनल पार्टी होगी वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Which of the following factor are responsible for increase of role of government in developing countries? कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि जो गवर्नमेंट का रोल है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक प्लानिंग, येस, इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी है, इसलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, इसलिए ये सब इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है तो गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ है। एमरजेंसीज ऑफ द कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट, कि हम अपने जो स्टेट है स्टेट लेवल पे या पूरा नेशनल लेवल पे वेलफेयर स्टेट को कंसेप्ट को एमरजेंस किया गया है, बढ़ावा दिया गया है, तो इसलिए, तो आपका आंसर क्या हो गए, इकोनॉमिक प्लानिंग और वेलफेयर स्टेट का एमरजेंस, तो क्या हुआ ए एंड डी, इट मींस ए आपका यहाँ से आंसर हो गया। दिसंबर 2005 के क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट लॉन्च की थी इग्नू ने, लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय इग्नू वो लॉन्च की थी 26 जनवरी 2003 को, कौन सी वाली, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, डिस्टेंस एजुकेशन का, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा मिले, तो वो कौन सी वाली सैटेलाइट थी, 26 जनवरी 2003 वाली, एकलव्य चैनल। एकलव्य चैनल एक डिस्टेंस लर्निंग पॉइंट इनिशिएटिव था जो कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो IIT और इग्नू के आपसी ज्वाइंट इनिशिएटिव के थ्रू ये हुआ था। तो ये इनोग्रेट किसने किया था, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी जी ने, तो ये यहाँ पर पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे 8 कंप्लीट कोर्स एक साथ चलाए गए जो कि कंट्रीब्यूट किए थे IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, और वही सेम सीक्वेंस में रिपीट हो रहे थे बिना किसी ब्रेक के। ट्रांसमिशन यहाँ पर कुछ नोट्स मैंने और बनाए हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी सैटेलाइट के बारे में पूछा जाए, यहाँ पे ज्ञान दर्शन का भी है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ज्ञान दर्शन, ये सैटेलाइट बेस्ड है नेशनल एजुकेशन के ऊपर और डेवलपमेंट चैनल बाय, ये चैनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेज डेवलपमेंट MHRD और प्रसार भारती और इग्नू, इन सब
के हेल्प से बना था, नोडल एजेंसी के हेल्प से, और इसको बिल्कुल GD1, GD2, GD3, GD4 बहुत सारे लिंक्ड इसके चैनल यहाँ पर चलाए गए, उसको आगे आगे बढ़ाया गया इस ज्ञान दर्शन को। ये 24 आवर चैनल था GD1 ज्ञान दर्शन 1, जो कि प्रोड्यूस किए थे उसके प्रोग्राम इग्नू ने। फिर उसके बाद जो GD2 है वो इंटायरली इंटरैक्टिव डिस्टेंस एजुकेशन का पोर्टल था वहाँ पर। फिर ये जो था GD3, इसका नाम रखा गया एकलव्य चैनल, ये भी 24 आवर चैनल था। एकलव्य चैनल अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए तो GD3 का नाम रखा था। ज्ञानवाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 24 आवर चैनल था, जो कि प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को जो कि हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, यानी कि हायर क्लासेस को परस्यू कर रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ज्ञान दर्शन 1-2 की, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स हैं यहाँ पर। CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंस्टिट्यूएंट ऑफ NCERT, फिर कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर अंडर UGC, ठीक है। TTTIs मतलब टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। GSET 3 भी है, इसको एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है। GSET 3 दोबारा से नाम आ रहा है, एडुसेट के नाम से जाना जाता है। एक तो मैंने GD बताया था एकलव्य वाला, GD3, अब ये कौन सा है, GSET जाना जाता है। और ये लॉन्च हुई थी 20 सितंबर 2004 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये पहला इंडियन सैटेलाइट था जो कि बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर के लिए ही बना था, तो इसलिए एडुसेट का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आगे क्वेश्चंस भी है, दोबारा रिपीट भी हुए हैं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कहा है कि मैच करो लिस्ट को कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ है, तो ये सब पूरा आपको करना है। तो आप बताइए, जो इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च वाला है ये है न्यू दिल्ली में। एडवांस स्टडीज़ बहुत बार आया हुआ है, यह बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम्स में, तो ये शिमला में है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ये है लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज़ ये है बेंगलोर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देखकर आपका ए आंसर बनता है। नेक्स्ट हम इसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो मैचिंग दिए हैं ये किसी और फॉर्म में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप ये नोट्स देख सकते हैं, इसमें काफ़ी हद तक हिंदी में भी प्रोवाइड किया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में एक बार थोड़ा रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इनका कब हुए थे सेटअप, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये कहाँ है, इनका ये कौन सी जगह पर है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये 1977 में हुआ था फिलोसफिकल रिसर्च वाला। प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस फिलोसफी एंड कल्चर, इसकी अगर बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 1990 में, और फिलोसफिकल रिसर्च जो था इसी के ऊपर आधारित था, और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हो, इंटरकनेक्शन हो साइंस के अंदर, फिलोसफी के अंदर और कल्चर के अंदर, तो इसलिए इसका नाम रख दिया इंडियन साइंस फिलोसफी और कल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हिस्टोरिकल रिसर्च वाला ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन से वाले ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है याद करने, तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस्टेब्लिश हुए थे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1972 में। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। तो हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है, तो हिस्टोरिक के ऊपर ही ये पूरा बेस था। और इनका ऑब्जेक्टिव था कि साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की, यहाँ पर भी साइंटिफिक वर्ड आ रहा है लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री को ही साइंटिफिकली लिखा जाए, तो ये सब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव थे। नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट रजिस्टर हुआ, फुल्ली फंडेड था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन सा फंडेड था, तो NCRI फंडेड था। ये 1995 अक्टूबर में इस्टेब्लिश हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी यहाँ पर,
क्योंकि फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्विटी इक्वालिटी भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन भी है, राइट ऑफ फ्री कंपलसरी एजुकेशन भी बाद में ऐड कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आर्टिकल 21A में बाद में ऐड किया गया, पहले नहीं था। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ अबव होना चाहिए कि सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक थी यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल 21A में अप्रैल 2010 में इंडिया में एक नया राइट निकाला गया, जिसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट निकाला गया, और जो कि था 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था ये वाला प्रोसेस कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री स्कूलिंग दी जाएगी। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल 5 ईयर टर्म बाय, लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब? रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सी आंसर हो गया, प्रेसिडेंट, उनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिसॉल्व हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय हिज डिस्क्रिशन, मतलब अपने खुद के डिस्क्रिशन पे ही वो नहीं कर सकते, उनको ये डिसॉल्व करना होगा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स में कंपाइल किया गया है। और वो प्रेसिडेंट अपने खुद के डिस्क्रिशन पे कब कर सकते हैं? यहाँ पर दो केसेस हैं कि जब कोई भी कॉन्फिडेंट मोशन नहीं है, पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है पार्लियामेंट में वो लॉस्ट कर दिया है और उनको रिज़ाइन करना पड़ गया है। तो अब क्या होगा? जो प्रेसिडेंट है उनको पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी या नहीं होगी। इस तरीके से सपोर्ट जो है लोकसभा में कितना है, किसका है। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो फिर प्रेसिडेंट उस टाइम पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गई। दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे तभी रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को और फ्रेश दोबारा से इलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है सिर्फ। 2006 जून का पेपर, चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अंदर कौन से आर्टिकल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव हो सकते हैं उनके ऑफिस से? आर्टिकल 324 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं, इसको समझना चाहिए कि ये कौन है, क्या कौन अपॉइंट करता है, उसी के बाद उनको रिमूव की बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को, और कन्वेंशनल जो भी सीनियर मोस्ट हो उसको अपॉइंट, उनको अपॉइंट किया जाता है CEC के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है। और इनका जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है, ठीक है। और इनकी जो एज है वो 65 इयर्स तक होती है, या फिर जो भी 6 साल का उनका टेन्योर है, इन दोनों में से जो भी पास है उसमें, फिर वो इंजॉय करते हैं ऑफिशियल स्टेटस और उनकी सैलरी पर्क बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके लेवल की होती है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव किए जा सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, कौन इंडियन पार्लियामेंट में स्टेटमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है इसका आंसर। लेकिन अब पूछोगे कि ये है क्या, तो ये बिलो अटर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, ठीक है। प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। और रंजीत कुमार आज के प्रेजेंट के सॉलिसिटर जनरल है, जिनको अपॉइंट किया गया 7 जून 2014 को। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वैसे ही सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी एडवाइस कर सकते हैं गवर्नमेंट को और अपीयर हो सकते हैं बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया के यूनियन के बिहाफ के ऊपर वो आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द कंक्लूजन इज लॉजिकली वैलिड, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझना होगा कि कैसे ये वैलिड हो रहा है या नहीं। लॉजिकली वैलिड का क्या मतलब है?
कि ये एक तरीके का सिलॉग्स ही है, लेकिन आपको यहाँ पे यूजीसी नेट के जो सिलॉग्स होते हैं वो लॉजिकल सिलॉजिज्म्स होते हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट जो समझ आ रहा है स्टेटमेंट में वैसे ही आपको आंसर देना होगा. तो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट, मोस्ट ऑफ द मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा, ऑल भी नहीं है, सम भी नहीं है और कम भी नहीं है, लेसर भी नहीं है. मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले भी वो इंडियन स्टेट बहुत सारी थी. अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने, उन्होंने अब कंक्लूजन में बोला सम इंडियन स्टेट एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस. यहाँ पर जो सम बोला है, सम का मतलब थोड़ी सी, कुछ इंडिपेंडेंस से पहले भी थी. तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी थोड़ी सी क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ बहुत सारी बोल दी जो सम से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है. और इस तरीके से ये वाले सिलॉग्स सॉल्व किए जाते हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर है बी, क्योंकि यहाँ पर सही बात क्या पता चल रही है कि सभी इंडियन स्टेट इंडिपेंडेंस से पहले थी, ठीक है. ऑल इंडियन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस. और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर बोला है कि सभी के सभी स्टेट्स, आज की डेट में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सभी के सभी इंडिपेंडेंस से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, कुछ चेंजेस भी हैं उसमें. तो यहाँ पर बी फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है, ठीक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश बाय इंडियन गवर्नमेंट. ये कौन सा वाला रिसर्च इस्टैब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें अंटार्कटिक के ऊपर रिसर्च करनी थी उन्होंने. तो ये था दक्षिण गंगोत्री, ये वाला एक नाम है रिसर्च स्टेशन का जो उन्होंने कंडक्ट किया था, इस्टैब्लिश किया था. ये सबसे पहला साइंटिफिक बेस्ड स्टेशन था, इसको याद समझ लो, क्योंकि ये सिचुएट था अंटार्कटिका के ऊपर ही, और इन्होंने अंटार्कटिक के ऊपर ही रिसर्च करनी थी, तो इससे याद हो गया. और इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री. ये दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर्स के नाम से इसका नाम डाला गया, क्योंकि ये वहीं के पास था, इस तरीके से इस रिसर्च का नाम डाला गया. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, MHRD में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. इन्हों MHRD के अंदर सभी एजुकेशन, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे हायर लेवल हो चाहे वुमेन की हो, सभी एजुकेशन का सिस्टम आता है, ठीक है. तो एलिमेंट्री एजुकेशन भी है इसमें, सेकेंडरी और हायर भी है, और उसके बाद वुमेन की और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पर आंसर हो गया आपका. पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट. जितने भी स्टेट लिस्ट के ऊपर मैटर्स लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको ना एक बार आप जो भी लिस्ट है, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है और एक यूनियन लिस्ट है, एक और लिस्ट है, तो इन सभी लिस्ट को एक बार रीड कर लो. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और अलग अलग आए हुए हैं, ठीक है. वो नेक्स्ट लास्ट में मैं आज दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी वो लिस्ट, उसको रीड ज़रूर कर लेना, मार्क कर लो कहीं पर. तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करते हैं मैटर्स के ऊपर जो भी लिस्टेड हैं स्टेट लिस्ट में, एट द रिक्वेस्ट ऑफ टू और मोर स्टेट्स. एक, दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करे तभी वो लेजिस्लेट करते हैं उस पर, कोई मतलब कि उस पर कोई एक्ट बनाते हैं, ये बात होती है इसमें. जो यूनियन पार्लियामेंट है उस उनके क्या पावर्स हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर, उनकी ये वाली पावर है जब भी रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में वो 2/3 मेजोरिटी में होना चाहिए, और जब प्रोक्लेमेशन होगी इमरजेंसी के केस में तो पार्लियामेंट की पावर है कि वो लॉ बना दे उस टाइम पे, लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी छोटे से पार्ट के ऊपर या फिर पूरे इंडिया के लिए पूरा लॉ बना सकते हैं कौन, पार्लियामेंट. और दूसरा हो गया, थर्ड है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स अगर अपनी कंसेंट दे दें तो वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक्ट बना सकते हैं. फोर्थ है, पार्लियामेंट की पावर है कि पूरी होल या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, कोई भी ट्रीटी पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अग्रीमेंट या कन्वेंशन विद एनी कंट्री, या फिर कोई कन्वेंशन हो किसी दूसरी कंट्री के साथ, कोई डिसीजन लेना हो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो ये सब भी पार्लियामेंट के ऊपर पूरा राइट है पार्लियामेंट के पास. और इस आर्टिकल का नंबर है 253. तो इसमें से इस थर्ड वाले के बारे में पूछा था इस क्वेश्चन में, तो हमने इसका आंसर दे दिया डी, ठीक है. एक और लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है आपको कि एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा, अभी किसकी बात थी,
पार्लियामेंट की, अब राज्यसभा की है कि वो पास कर सकते हैं रेजोल्यूशन बाय 1/3 ऑफ मेजोरिटी. यहाँ पे 1/3 है मेजोरिटी, अगर उनको मिल गई तो वो पास कर सकते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर कोई भी पावर्स, उनके एक्ट पास कर सकते हैं. राज्यसभा हैज़ पावर टू क्रिएट वन और मोर न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय पासिंग रेजोल्यूशन. पूरी ऑल ओवर इंडिया ऑल इंडिया सर्विस भी पास कर सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन भी पास करते हैं कर सकते हैं. यहाँ पर भी उनको मेजोरिटी चाहिए 2/3 ऑफ इट्स मेंबर, जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं उनके 2/3 की अगर मेजोरिटी हो जाएगी तो वो ये भी पास कर सकते हैं. कैन डिसकंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस एज वेल. और जो राज्यसभा के ये भी पावर है कि वो जो अभी जो उस टाइम पे ऑल इंडिया सर्विस चल रही होगी उसको बंद भी कर सकते हैं और अपनी न्यू भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सब पावर्स है यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन सेटअप बाय MHRD, MHRD ने कौन सा वाला सेटअप किया था? तो ये है नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली का सेटअप किया था. ये कोटला रोड पे है ITO में और ये 127th मीटिंग में सेटअप किया था. यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन किनकी रिकमेंडेशन के ऊपर बना था? ये बना था सर्वपाली राधाकृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट को कौन सा आर्टिकल सेफ गार्ड करता है? और यहाँ पर राइट ऑफ माइनॉरिटीज नहीं लिखा सिर्फ, यहाँ पे इसके आगे भी पढ़ो, टू इस्टेब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन लाइकिंग, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए भी वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 30. ठीक है, क्योंकि जो 29 है वो माइनॉरिटी के लिए है, लेकिन इन्होंने लास्ट में क्या बोल दिया, रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये आर्टिकल 30 है. आज मैं अभी आपको सारी लिस्ट भी दे रही हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया. और ये वाला आर्टिकल की लिस्ट है, नंबर 1 से लेकर पूरे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी मैंने लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा. ठीक है, नोट्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको रीड कर लीजिएगा. तो ये देखेंगे आपकी जो 29 है ये भी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा था वो था 30 वाला. पार्लियामेंट, वो क्या करते हैं पार्लियामेंट? बजट को इनेक्ट करते हैं. ठीक है, और ये कंट्रोलर ऑडिटर CAG ये क्या करते हैं? ये लीगेसी ऑफ एक्सपेंडिचर इसको देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट को बनाते हैं. ठीक है, और एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं बजट को. तो ये सभी बजट से रिलेटेड है, लेकिन इन सब के काम अलग अलग हैं. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? बी, फंडामेंटल ट्रेनिंग टू न्यूली रिक्रूटेड IAS. जो नए नए IAS रिक्रूट किए हैं उनको कौन देता है फंडामेंटल ट्रेनिंग? उनको देते हैं LBS, नेशनल अकाडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर सिलेक्टेड बाय, ये कौन सिलेक्ट करता है इनको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिस फॉर ईच ऑफ द ईयर दैट एट द ग्लोबल लेवल कौन पब्लिश करते हैं? UNDP. अब UNDP जो है वो वर्क करते हैं 170 कंट्रीज और टेरिटरीज के बारे में, उन्होंने क्या अचीव किया है, उन्होंने कैसे पॉवर्टी से लड़े हैं वो, उनमें इनक्वालिटीज कितनी कम हुई हैं, पूरा ये सब इनका ध्यान रखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो इसी के अंदर यही पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये इनका मेन फोकस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, पीस बिल्डिंग मतलब कि शांति बनी रहे, और क्लाइमेट डिजास्टर ना हो. ठीक है, क्लाइमेट का अच्छा हो और डिजास्टर ना हो, तो इसके लिए ये पूरा वर्क करते हैं. ये डिस्क्रिप्शन में है सारे नोट्स, आप प्लीज देख सकते हैं. वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए. वैसे तो वैल्यू एजुकेशन एक स्टूडेंट को अच्छा नागरिक बनाती है. वैल्यू एजुकेशन मतलब हम उनको पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसा ऐड करें जिसके साथ वो खुद भी बहुत अच्छे बने और उनके आगे वाली लिविंग भी अच्छी बने. और अगर हम दूसरी देखें तो दूसरा एक और डेफिनेशन है इसकी कि लर्निंग अबाउट सेल्फ एंड विजडम ऑफ लाइफ, अपने बारे में सीखना और कैसे लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं. ये सेल्फ एक्सप्लोइटरी डेफिनेशन है वैल्यू एजुकेशन की. तो यह पूरा वैल्यू एजुकेशन के ऊपर देख सकते हो.
नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंफ्लिप नेट, ठीक है? इसको समझना है तो यह है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो अगर आपको नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज देखनी है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जो यूजीसी ने निकाला था, ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ऑफ इंडिया, ये MHRD के अंदर निकाला गया था और इसका लोकेशन क्या थी? गांधीनगर में, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें इन्वॉल्व होता है कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, तो इसका मतलब हुआ उनके नेटवर्क को और अच्छा किया जाए, तो इन्फ्लिपनेट यहाँ पर आंसर था। यूनिवर्सिटी जो कि टेलीकास्ट करती है इंटरैक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम अपने खुद के चैनल से, वो कौन है? इग्नू। ये बहुत बार आया, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू 1956 में। यूनिवर्सिटीज हैविंग सेंट्रल कैंपस, जिनका सेंट्रल कैंपस होता है वो कौन है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो थी, जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर सर्व कर रही थी, वो कौन सी थी? हमने पढ़ा अभी, समझा था, एडुसैट। पहली एजुकेशन के लिए पूरी प्रॉपरली सैटेलाइट यही थी, एडुसैट। एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू, जो मेन इग्नू का जो चैनल है वो कौन सा है? ज्ञान दर्शन। हेडक्वार्टर महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है इनका हेडक्वार्टर? इनका हेडक्वार्टर है वर्धा में, ठीक है? इसको आप पढ़ सकते हैं, वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया में। नेक्स्ट है, इस लिस्ट को मैच करो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे वन नंबर पे फ्रेंड्स ये है चित्रकूट एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है? हम यहाँ पे समझते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश कहाँ है? हैदराबाद में। सेकेंड है ग्राम मोत्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है? चित्रकूट एंड फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए जाना जाता है ये वाला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज ये कहाँ पे है? ये है धर्मशाला में। इग्नू कहाँ है? इग्नू का मेन कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है? तो ये लिस्ट आपकी समझ में आ गई, तो यस ये ए नंबर है इसका आंसर। एम ऑफ वोकेशनलाइज एजुकेशन, वोकेशनलाइज का मतलब कि कुछ ऐसी स्किल्स जो कि आपको, आपके पास जब कुछ भी ना हो बिल्कुल आपकी स्किल्स के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है, तो ऐसा कुछ एबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका एम क्या है? इसका एम है कि लिबरल एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड, ऐसी कोई पढ़ाई कराई जाए जो कि स्किल डेवलप करे और जिससे जॉब लग पाए, ठीक है? इसलिए वोकेशनल एजुकेशन का आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। NAACL एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर एगिस ऑफ NAACL। किसके अंडर आता है? ये आता है UGC के अंदर, ठीक है? नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। तो यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे कि ये वीडियो लंबी लॉन्ग होने वाली है, तो आपसे पूरी एक बार में नहीं हो रहा, तो आप 10-10 मिनट्स या 15-15 मिनट्स करके भी इसको पूरा कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे नोट्स कंपाइल किए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है समझने, ठीक है? तो इनका जो ये हुआ था वुमेन एजुकेशन का, ये किसने किया था? ये एक दुर्गाबाई देशमुख जी थी, जो कि लेडी देशमुख थी, और ये 1909 से लेकर इनका टर्म थी 1981 तक की, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अच्छी इंडियन फ्रीडम फाइटर भी रही हैं, सोशल वर्कर भी रही हैं, और इन्होंने ही एक असेंबली में ये वाला नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, और इन्हीं के बेस पे ये इंस्टीट्यूशन बना था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके नोट्स भी हैं यहाँ पर पूरे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में कौन सा वाला इनमें से नहीं है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन है दिल्ली में, साइंटिफिक रिसर्च है दिल्ली में, एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग है दिल्ली में, लेकिन जो एडवांस स्टडी वाला है ये हम पहले ही समझ चुके कहाँ हैं? शिमला में, ठीक है? इसको सेटअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में, और इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था एडवांस स्टडी वालों ने 20 अक्टूबर 1965। ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो करिकुलम है उसको डेवलप किया जाए। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? कि जो करिकुलम होगा उसको डेवलप किया जाए। इस लिस्ट को मैच करो, डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी ये सागर में है, SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई में है, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है, JN व्यास यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी,
जोधपुर में है, ठीक है? तो ए आंसर हो गया आपका. अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन, जो हायर एजुकेशन का एम क्या है, उनके अकॉर्डिंग एम है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यू. हायर एजुकेशन का मतलब है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को डेवलप करें, पीस, पीस मतलब कि भाईचारा, हारमोनी, शांति. टू डेवलप ग्रेट पर्सनालिटीज हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिक्स. बहुत अच्छी ग्रेट पर्सनालिटीज को डेवलप किया जाए तो अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में दे पाए, एडमिनिस्ट्रेशन में दे पाए, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, और अल्टीमेटली पूरी इंडिया के वेलफेयर के लिए. तो ए एंड बी दोनों ही हो गया यहाँ पर आंसर. नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में जो है वो किससे अटैच्ड है, वो अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर से. तो इसके लिए ये जो नोट्स हमने देखे इसके अंदर आपको लास्ट में मिलेगा कि इंडियन कल्चरल हेरिटेज है तो इससे रिलेटेड है. लिस्ट वन को सेकेंड से मैच करो. हमें पता है एक यहाँ पे तो एडवांस स्टडी बहुत बार आ गया है, शिमला से रिलेटेड है. तो अगर आप एग्जाम में ऐसे भी करो कि बी वाला का होगा फर्स्ट, तो बी जिसमें भी फर्स्ट होगा इसका मतलब और कहीं पे भी ये फर्स्ट में नहीं है, बी के साथ फर्स्ट का ऑप्शन नहीं है, तो आपका डी अल्टीमेटली आंसर हो गया. चलो फिर भी हम समझ लेते हैं. नेशनल लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी शिमला में है, नेशनल जुडिशियल अकाडमी कहाँ पे है, भोपाल में, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट नागपुर में. इलेक्शन ऑफ रूरल अर्बन लोकल बॉडी आर कंडक्टेड अल्टीमेटली सुपरवाइज बाय, ये किनके द्वारा सुपरवाइज होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा. तो यस, जब भी रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो होता है इलेक्शन, ये होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा. विच ऑफ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. एजुकेशन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट. यस, कंकरेंट लिस्ट आपको मैं अभी प्रोवाइड करूंगी ऑफ सेवेंथ स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यस, ये एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है. यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी बिल्कुल ठीक है. पेटेंट्स, इन्वेंशन, डिजाइन, कॉपीराइट सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट नहीं है, आपके कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते. इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च साइंसेज स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस, और ये रिलेटेड है सोशल साइंस के लिए, तो नाम से पता चल रहा है. तो आपका आंसर हो गया सी. इसकी लिस्ट में 52 आइटम्स है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है? तो एक तो है क्रिमिनल रो, मेनली ये क्रिमिनल से रिलेटेड कुछ आइटम्स है, ऐसे आइडिया लग जाएगा आपको. क्रिमिनल प्रोसीजर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन ऑफ कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, रिमूवल ऑफ स्टेट और अनदर स्टेट प्रिजनर्स, ये क्रिमिनल्स किसी भी ऐसे लड़ाई झगड़े या ऐसी चीज़ों के ऊपर रिलेटेड है, ये कंकरेंट लिस्ट पूरी, ठीक है? मैरिज, डिवोर्स, इन्फेंट, माइनर अडॉप्शन, इन सब के ऊपर है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, एक्शनेबल रॉन्ग्स, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, एजेंसी, कंपनी वगैरह सब इसमें आ गए. एडमिनिस्ट्रेशंस, तो ये पूरी लिस्ट आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है? 52 है इसमें, 47 तो ये है. उसके बाद ये वाला आप देख लो कि थ्रू 42nd अमेंडमेंट जब हुई थी 1976 में, 5 सब्जेक्ट थे जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था. वो कौन से हैं? एजुकेशन, यस, हमने यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था. फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इन पांचों को याद कर सकते हो. इसमें से एजुकेशन वाला तो क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में, अब कोई और भी आ सकता है. कोठारी कमीशन जो रिपोर्ट थी वो किसके लिए एंटाइटल थी? ये एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट के लिए एंटाइटल थी. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डुअल मोड यूनिवर्सिटी, कौन से डुअल मोड यूनिवर्सिटी नहीं है? इन दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर भी कोर्सेज होते हैं, दूसरे भी होते हैं. बेंगलोर है, मद्रास यूनिवर्सिटी, लेकिन जो आपके इग्नू है ये सिर्फ एस कॉरेस्पॉन्डेंस ही होता है इसमें, तो आपका डी आंसर है इग्नू. कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है? तो वो है फोर्थ पार्ट, डी आंसर हो गया. विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू नागा कस्टमरी एंड देयर सोशल प्रैक्टिस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो जो नागा कस्टमरीज के लिए जो सोशल प्रैक्टिस के लिए और उनके लिए अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए
कोई इनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है. वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 371A. इसको याद कर लो. ये तो ये नॉर्मल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें कुछ, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चंस. तो which one of following is not tool of good governance? Good governance मतलब अच्छा शासन के लिए कौन सा नहीं है. अच्छे शासन के लिए कौन कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन. यस, इंफॉर्मेशन का राइट सबको है, ये अच्छे के लिए है. सिटीजन चार्टर, सिटीजन्स का पूरा चार्टर होना चाहिए. सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता कोई शासन से रिलेटेड नहीं है पॉइंट, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी हो गया. यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल. ये वाला दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अपने खुद के चैनल के थ्रू इग्नू करते हैं, तो डी आंसर है. हु हैज साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग फॉर अक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इंडिया में टीचर्स के जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन की जो अक्रेडिटेशन है उन्होंने, वो किसने साइन किया था? वो साइन किया था NCTE और NAACL ने. रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज. जो रिकमेंड किया गया था कि 1500 यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया जाए, तो वो किसके लिए था? इंश्योर करने के लिए था कि स्टूडेंट की एनरोलमेंट बढ़े हायर एजुकेशन में, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में इनरोल करें. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बाद में आएगा वो क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कौन सी कंट्री की हुई है पूरे वर्ल्ड में से, तो हम उसको अब समझेंगे आज. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन, किस में होना चाहिए? इंग्लिश और हिंदी दोनों में. विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक. कौन सा वाला ज़्यादा इंटरेक्टिव है इनमें से? ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपस में ये स्टूडेंट्स पूरी अच्छी से GD करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव है ये. पार्लियामेंट इन इंडिया इज कम्पोज्ड ऑफ, किसके कम्पोज्ड है? लोकसभा है यहाँ पर, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. सी आंसर हो गया. एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बाय सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इंडिया के फॉर्मल एजुकेशन में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? ये करता है सिर्फ 25% फॉर्मल एजुकेशन का कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, तो बी आंसर हो गया. यहाँ पर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गया है, पर गिवन है. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पहले असर्शन को रीड करना है और फिर ये देखना है कि क्या जो ये रीज़न दिया गया है, क्या वो उसका असलियत में मतलब बनता है, कि क्या वो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसका रीज़न ये है. ठीक है, UGC अकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस कम इन टू एग्जिस्टेंस. जो भी अकेडमिक स्टाफ के कॉलेजेस हैं वो अपने एग्जिस्टेंस में आए ताकि वो इम्प्रूव कर सकें, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स. टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो एग्जिस्टेंस में आए. अब टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का रीज़न क्या था? ऐसे क्या बात हुई कि टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जा सके? ये हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं. यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर हैव टू अंडरगो ग्रोथ. इनको ओरिएंटेशन भी करनी पड़ती है और रिफ्रेशर कोर्सेज भी देने पड़ते हैं. तो अगर उनको ओरिएंटेशन देनी है टीचर्स को और रिफ्रेशर्स के लिए कोर्सेज बनाने हैं, तो क्या उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए? और इसलिए उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनको ये स्टाफ कॉलेजेस बनाए गए. तो यस, तो ये इसका, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका वैलिड रीज़न भी है. तो आपका आंसर हुआ ए, दोनों सही हैं और आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन कर रहा है उसको पहले वाले को, ए असर्शन को. ठीक है, आज हमने फ्रेंड्स 2004 से लेकर 2009 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2010 से लेकर 2017 के सभी क्वेश्चंस करवाऊंगी. ठीक है, नव क्लासेस देखते रहें, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, और ये अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो. इसको अच्छे से थोरोली पढ़ो, जो भी नोट्स ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर गिवन है उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट रीड करो, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में. थैंक यू सो मच.